कोई नहीं, सबको पता है गाड़ी में बैठे हुए कितने लोग आ रहे, कितने लोग नहीं आ रहे वहीं पर। बट हम तीनों बहनें जा रहे हैं दूल्हे की गाड़ी में, एक छटक गई है हमसे। पापा के साथ जा रही है, पापा की पढ़ी है। और एक यहाँ पे हमारा दूल्हा राजा, दूल्हा राजा ठीक है, मेहंदी मत दिखा, चल बाय। We'll be right back.
सो गाइस, तो यहाँ पे देखिए दूल्हा जो है अपने सहबाला यानी धनु के साथ मेरा भाई बग्गी पे बैठ के यहाँ द्वारी लगाने के लिए पहुँच गया है। इसे हमारे में द्वारी लगाना बोलते हैं कि पूरे धूम धड़ाके के साथ डांस मस्ती के साथ हम पूरे आतिशबाजी के साथ पहुँचते हैं दरवाजे पे जहाँ बारात मतलब सारा अरेंजमेंट होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर हम आ गए थे और इससे पहले ही हम आ गए थे, लेकिन मेरा जो फ़ोन है वो फ़ोन गुम हो गया था। हाँ जी, अब सबके चेहरे पे 12 बज गए थे कि मेरा फ़ोन गया कहाँ। इतनी बड़ी गलत फहमी हो गई थी, मैंने जिसको दिया था उसने किसी और को दे दिया, उसको लगा कि उसने मेरे भाई को दिया है और मैं उससे बोल रही थी, तो वो भी कंफ्यूज था, समझ ही नहीं आया था किसी को भी क्या है कैसे। अजीत भी बहुत गुस्सा हो रहे थे, पापा भी बहुत परेशान थे, मतलब सब लोग सब कुछ छोड़ के द्वारी नहीं लगाया किसी ने, सब लोग रुके हुए थे कि पहले फ़ोन देख लेते हैं फ़ोन कहाँ है। सो फिर पता है क्या, जिस लड़के को मैंने दिया था ना वही ढूंढ के लाया, उसको शायद ध्यान आया कैसे आया, वो जाके फिर लेके आया अंदर, वो समझाने में वो दूसरा वाला लड़का लेके चला गया था फ़ोन। मीन्स मैं ये कहूँ कि फ़ोन चोरी नहीं हुई थी, बट सबको ये लग रहा था कि चोरी हो गई क्योंकि वो फ़ोन मिल नहीं रहा था। फिर ये दूल्हे के जो भाई मतलब दुल्हन के जो भाई हैं वो लोग सब आए थे उठाने के लिए, हमें लगा कि यहीं पे जाना है जहाँ फंक्शन है, सॉरी जहाँ अरेंजमेंट है वहाँ, बट नहीं, इन्होंने द्वार पूजा जो है अपने घर के आगे करवाया था। ये लेफ्ट में जो घर दिख रहा है ये घर है दुल्हन का, तो यहाँ पे ही द्वार पूजा हुआ था, शादी भी घर पे ही हुई थी, बस जयमाल वगैरह का अरेंजमेंट बाहर किया गया था क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे करते हैं कि विदाई पूजा शादी जो होता है ना घर से करना चाहते, बाकी जयमाल वगैरह जो बाहर करवाते हैं। तो थोड़ी सी टेंशन जो खत्म हुई। फिर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दे ताकि नेक्स्ट ब्लॉग नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं यहीं पे क्लियर कर दूँ कि कुछ चीज़ ऐसी होती जो जिसका मैं पहली बार होती है ना, उन्हें नहीं पता होता है कैसे क्या करना है। जैसे यहाँ पे इस चीज़ का अरेंजमेंट नहीं था फीता वगैरह काटने का, यहाँ पे जो है संधि मिलन जो होता है, सब एक दूसरे से जो भी लड़की वाले हैं वो लोग अपने संधि जो भाई हैं जो सबसे मिल रहे थे, ये फूल का माला है ये सारा कुछ पहना कर, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगी। मतलब जो भी था जैसे था, मतलब एक इज्जत भाव जो होता है बहुत दिल से था, बहुत प्यार से था, हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। एंड आज का जो ब्लॉग है आप लोग इन्जॉय कीजिए, बिल्कुल नेचुरल ब्लॉग है, कुछ भी एडिटिंग नहीं एंड कुछ भी दिखावा नहीं, सब कुछ बल्कि आपको बहुत ज़्यादा प्योरिटी देखने को मिलेगी इस ब्लॉग में। और यहाँ पे देखिए, और थैंक यू सो मच गाइज, आपने इनके ड्रेस को बहुत सराहा, तो मैं आपको बता दूँ ये ड्रेस मैंने अपनी पसंद से मैं लेके आई हुई थी इनके लिए, अपनी पसंद क्या बोलूँ, मेरी बहन का, उसको ध्यान था कि मेरा लहंगा जो है इस कलर का है, तो बोली जीजू के लिए यही ले लो, इनको मैंने फोटो खींच के भेजा, इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है। सब ओके भैया, पापा साथ में, लौंगला साथ में, मैंने फिर नोट दिया था, हमारे मुख्य अतिथि है। जय हो, जय हो। द्वार पूजा हो गया था, दूल्हा आ गया था और यहाँ पे हमने खाना वाना खाया और दुल्हन के आने का इंतजार कर रहे थे जयमाला के लिए। यहाँ पे इनके ये सब सारे लोग साले साहब ही हैं, मामा के बेटे हैं ये लोग, तो यहाँ पे कुछ खरीदारी कर रहे थे। फिर जैसे मैंने कैमरा ऑन किया इन्होंने देख लिया, कह रहे ये देखो क्या कर रही है, ये इनको बता रहे थे। और ये मेरी सब्सक्राइबर है, बहुत दूर से आई थी, इनको पता चला था, तो और मेरा स्टोरेज जो है वो फुल हो जा रहा था, कहीं भी वीडियो नहीं बन पा रहा था। आगे का जो वीडियो है कुछ मैं दूसरे फ़ोन से शूट करी, वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और ये बहुत ज़्यादा खुश थी, इमोशनल हो गई थी, रोने लग गई थी। Thank you.
अब कर अब कर। सरकार, 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 सरक